एपिशेयर जानने का। और वीआईपी शेयर बताने के लिए हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है। आस्था जी, आज निवेशकों के लिए आप क्या लेकर आई हैं? जी गुड आफ्टरनून। देखा जाए तो पसंद आता है नव भारत वेंचर्स, नावा के नाम से अब ये आता है। सो नावा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी 325 के टारगेट के लिए। ये जो कंपनी है बेसिकली पूरा कॉन्ग्लोमरेट है जिसमें कि इनका बिजनेस इंटरेस्ट मेटल्स में भी है, एनर्जी में भी है, कोल माइनिंग, हेल्थ केयर सब में है। और ये वन ऑफ द लीडिंग फेरो अलॉय प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है, तकरीबन 1,75,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। इनफैक्ट जो वो पूरा ग्रुप है उनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, 434 मेगावाट के आसपास। और ये एक खुद ओन और ऑपरेट भी करते हैं इंटीग्रेटेड माइन 300 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जो कि जाम्बिया में है, और वो एक कंपनी की स्टेप डाउन सब्सिडियरी के थ्रू ये ऑपरेट करते हैं। आने के कारण सबसे पहले तो नतीजे अच्छे थे, अभी तक का रिमार्केबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है 2023 में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे क्लॉक किया। और इसमें जो मुझे काफी अच्छी लाई कि कंपनी यहाँ पे जो इनकी सब्सिडरी है वहाँ पे पूरे ओवर ड्यू जो थे लोन के वो इन्होंने रीपे कर दिए हैं, और वो एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और तो इन्होंने यहाँ पे प्लांट की जो अवेलेबिलिटी है वो भी 91% के आसपास पावर लोड से इस पे काम कर रहा है पावर लोड फैक्टर पे, तो कंपनी मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। और जिस तरह से इनकी सब्सिडरीज के लोन पे रीपेमेंट हो रहे हैं मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है, और ये आगे जाते हुए कंपनी के फाइनेंशियल्स को मजबूती देता हुआ नजर आएगा। सो ऑल इन ऑल नव भारत वेंचर्स यानी कि नावा को खरीदारी करने की सलाह है 325 के टारगेट के लिए। समय सीमा 1 से 2 महीने रखी जा सकती है। ओके, 1 से 2 महीने में 325 रुपए का टारगेट। आस्था जी, 60 से 62-63% के आसपास बन रहा है ये। जी 25 रुपए का जो टारगेट है ये 1 महीने के अंदर अंदर वैसे आ जाएगा, लेकिन अगर मार्केट्स ने थोड़ा सा भी वॉलेटाइल हुआ तो हो सकता है कि थोड़ा समय लगे। और यहाँ से जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपसाइड वो 10 से 11% का है, तो इनिशियल लेवल पे है, और ये फिर टारगेट आगे की तरफ भी रिवाइज किए जा सकते हैं। करेंट मार्केट प्राइस तो ये नहीं है, 20% के आसपास की तेजी की उम्मीद आप कर रही है। चलिए कोई नहीं, और जिस तरह से डेट रीपेमेंट हो रहा है तो ये एक पॉजिटिव कंपनी के लिए ट्रिगर है और एक अच्छा पिक। 293 रुपये करंट मार्केट प्राइस है, 325 के टारगेट के लिए आप इसे 1 से 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। शुक्रिया आस्था जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर ही नजर।